मैं अक्सर देखता हूं कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स यूं तो ये कहते हैं कि सर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम, समय कितना हुआ, अगर कोई आपसे टाइम पूछ ले तो इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर भी आप हिंदी में देते हैं। ऐसा अक्सर होता है, मैं अक्सर देखता हूं स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। अगर आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में छोटे छोटे सेंटेंसेस को जिन्हें आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इंग्लिश में ना बोल करके आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या आप कभी इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे? अच्छा, टाइम बताने में दिक्कत क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट्स द टाइम या व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, एक बजाए तो आप कहेंगे इट्स 1 o'clock, दो बजे तो इट्स 2 o'clock, तीन बजे तो इट्स 3 o'clock। अगर आप मुझसे यहां पर ये पूछें कि इट्स का यूज क्यों किया है, इट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, इसका यूज क्यों हुआ है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसी तरीके से इंग्लिश नेटिव बोलते हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, और चूंकि हम उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो जैसा वो बोलते हैं हमें उनको फॉलो करना है। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि जब आपको किसी को टाइम बताना हो तो दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होता है, एक है इतने बजकर इतने मिनट और दूसरा है इतने बजने में इतने मिनट। आप ये समझ नहीं पाते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट को कैसे बोले या इतने बजने में इतने मिनट को कैसे बोले, और इसीलिए शायद आप इंग्लिश में टाइम नहीं बता पाते हैं। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हिंदी में जब हम बोलते हैं हम कहते हैं 5:26, यानी पहले हम घंटा बताते हैं फिर हम मिनट बताते हैं, 5:26, पहले 5 बोला फिर 26 बोला, लेकिन इंग्लिश में हमेशा आप पहले मिनट बोलते हैं और उसके बाद में आवर बताते हैं यानी घंटा बताते हैं। यह भी आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, इतने बजकर इतने मिनट अगर बोलना है तो वहां पर पास्ट का यूज होगा, और इतने बजने में इतने मिनट अगर बोलना है तो वहां पर टू का यूज होगा। कैसे होगा एग्जाम्पल्स में देखते हैं। मान लीजिए आपको कहना है 5:26, तो यहां पर आप जैसा मैंने आपको बताया पास्ट का यूज करेंगे, यहां पर तो सबसे पहले मिनट बताएंगे उसके बाद पास्ट और उसके बाद घंटा, 26:05, 7:23, 23:07, 2:13, 13:02, 4:28, 28:04। तो ये तो है बहुत ही सिंपल। अब हम आ जाते हैं इतने बजने में इतने मिनट। मान लीजिए 2:55 हो रहे हैं, तो इस बात को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं 2:55, इसे बोलने के लिए तो आप कहेंगे 55:02, या फिर आप कह सकते हैं 3:05, 2:55 क्या 3:05, तो 3:05 यहां पर आप 2 का यूज करेंगे, 5:23। पहले आपने मिनट बताया 5 और उसके बाद घंटा बताया कितने बजने में 3। ठीक इसी तरह से 7:48 को या तो आप कह सकते हैं 48:07, या फिर 7:48 का मतलब हुआ कि 8:12 है, तो आप कह सकते हैं 12:08। एक और एग्जांपल लेते हैं 3:40, इसे आप या तो कह सकते हैं 40:03, या फिर आप कह सकते हैं 20:04। तो आप देख रहे हैं कि इतने बजकर इतने मिनट के लिए पास्ट का यूज कर रहे हैं और इतने बजने में इतने मिनट के लिए टू का, और आप ये भी देख रहे हैं कि पहले आप मिनट बता रहे हैं और उसके बाद आप आवर बता रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और, 15 मिनट्स को क्वार्टर कहते हैं, 30 मिनट्स को हाफ कहते हैं, तो जहां पर 15 आए वहां पर क्वार्टर यूज कर लो, जहां पर 30 आए हाफ यूज कर लो। मान लीजिए आपको कहना है 5:15, तो आप कह सकते हैं 15:05। अच्छा, यहां पर 15 क्या है, मिनट्स हैं, 15 की जगह पे आप क्वार्टर कह सकते हैं, 15:15। अगर आपको कहना है 2:45, 45:02, या फिर 2:45 मतलब 3:15, तो 15:03 भी आप कह सकते हैं। यहां पर 15 क्या है, मिनट्स है, तो 15 की जगह पे आप क्वार्टर कह सकते हैं, 2:45। 2:30 को आप क्या कहते हैं, 30:02, 30 की जगह पे हाफ कह लीजिए, 2:30। अच्छा, 2:30 यानी कि 2:30, 2:30 को आप ऐसा भी कह सकते हैं 3:30, 3:30, तो ऐसे में आप इसे कह सकते हैं 30:03 और 30 की जगह पे हाफ टू थ्री। तो आप देख रहे हैं कि 2:30 को आप 2:30 या 2:30 दोनों तरीके से बोल सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर हमें AM या PM बोलने की जरूरत है या नहीं।
तो देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि जो आपसे टाइम पूछ रहा है उसको भी पता है कि ये मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम है। अगर वो मॉर्निंग में पूछ रहा है दोपहर के 12 बजे से पहले, तो उसे ऑलरेडी पता है कि एएम है ये। तो अगर उसने पूछा व्हाट्स द टाइम और आपने कहा इट्स 11, सिंपली 11, या फिर इट्स 11 o'clock, तो ये अंडरस्टूड है कि 11 AM हो रहा है, यानी मॉर्निंग टाइम है। और अगर शाम को 6 बजे कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट्स द टाइम और आप कहते हैं इट्स 6, या फिर आप कहते हैं इट्स 6 o'clock, तो अंडरस्टूड है 6 PM, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आज के बाद कोई भी आपसे टाइम पूछे, चाहे इंग्लिश में पूछे चाहे हिंदी में पूछे, आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही आप टाइम बताइए। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक्स लॉन्च हो गई हैं, इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इन बुक्स के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है, किसी भी तरह के आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप 8448443310 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।